नमस्कार दोस्तों, इंडियन कंप्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जियो का सिम जब एक्टिवेशन करते हैं तो आपको प्लान एक्सपायर बताता है, तो उसको कैसे ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिनांक आज 11 जुलाई 2017 है। आज से जितना भी प्लान एक्सपायर हो रहा है, 11 जुलाई 2017 से जितना भी प्लान एक्सपायर हो रहा है जियो पोस्ट प्लस में सिम एक्टिवेशन करने में दिक्कत आ रहा है, तो प्लान एक्सपायर को आप कैसे ठीक करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जियो पॉस खोल लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने जियो पॉस खोल लिया है। तो जियो पॉस में आप अपना आईडी पासवर्ड डालें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करते ही देखिए आपके ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर 3 लाइन दिखाई देगा। चलिए हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर 3 लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका देखिए इस प्रकार का मेनू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको यूटिलिटी में आना है। यूटिलिटी देखिए, यहाँ पर आपको यूटिलिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मिसिंग डाटा सबसे नीचे है, मिसिंग डाटा देखिए, यहाँ पर मिसिंग डाटा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका देखिए इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिए सेलेक्ट, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट में चुनना है। सेलेक्ट को चुनते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा, तो आपको देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा, तो आपको प्रोडक्ट पे जाना है। प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही देखिए प्रोडक्ट इसमें चुना गया है। और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ नीचे ऊपर प्रोडक्ट चुना गया है, नीचे पर यहाँ पर आपका यहाँ पर खाली रहेगा, तो आप यहाँ पर जो नया प्लान कोड है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मांग ले, अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से ये नया प्लान कोड इसमें मांग ले। जब भी प्लान एक्सपायर होगा तो नया प्लान कोड आपको यहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पर टाइप कर दें। ये तो अभी का प्लान कोड ये है, इसको हम टाइप कर दिए हैं। उसके बाद देखिए सबसे नीचे यहाँ पर सही का निशान है, सही के निशान को आपको दबा देना है, ऐसे करके दबा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आया है डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, इस प्रकार का आपका मैसेज आएगा। तो अब आपको एक बार बैक बटन को दबा देना है। बैक बटन दबा के आपको यहाँ इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पर देखिए डेल्टा सिंग्स है, यहाँ पर डेल्टा सिंग, इसको आपको दो तीन बार दबा देना है और मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो प्लान एक्सपायर है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अभी जैसे आपको सिम एक्टिवेशन करना है, तो आपको देखिए आप जब भी चुनिएगा प्रीपेड प्लान, तो आपको यहाँ पर देखिए आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए ये इसे आपको चुनना है, पार्टनर प्लस प्राइम 309। इसमें आपका प्राइम भी कट जाएगा, 309 रुपये भी कट जाएगा, यानी 408 रुपया कट जाएगा। अभी सिम एक्टिवेशन करने के लिए इसे आप चुनना होगा। और देखिए ऊपर है जो 2 GB डेली चाहिए, उसमें 509 प्राइम प्लस 509, इसको आप चुनिएगा। देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए आपको प्लान यही दो को चुनना है, देखिए 509 पार्टनर प्लस प्राइम 509 और एक नीचे पार्टनर प्लस प्राइम 309, यही दोनों से आपको सिम अभी एक्टिवेशन करना है। फिर बाद में अगर नया स्कीम आएगा तो हम बताएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी जियो के अपडेट रहेंगे वो मिलते रहेंगे, जितने भी नए न्यूज आते रहेंगे वो आप तक पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।